नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वच्छ इंडिया न्यूज चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी। गंगा महोत्सव के सफल कार्यक्रम के लिए जनता का सराहनीय योगदान। अरुण चैतन्यपुरी महाराज, लगभग 70,000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। श्री गंगा महोत्सव समिति के तत्वावधान में भव्य गंगा महोत्सव कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ, जिसमें कानपुर नगर के शिव भक्तों का सराहनीय योगदान रहा। हम हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं। ये बात सिद्धनाथ मंदिर के महामंडलेश्वर अरुण चैतन्यपुरी ने अपने आश्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सिद्धनाथ मंदिर को एक भव्य रूप देने का भी आश्वासन दिया। आने वाले अंग्रेजी नए वर्ष पर कानपुर नगर की जनता को बधाई व शुभकामनाएं दिया। गंगा महोत्सव की शानदार कवरेज करने के लिए 30 वर्ष से पत्रकारिता जगत के महारथी वरिष्ठ पत्रकार व एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज दिलीप कुमार मिश्रा को ओम नमः शिवाय का रूपट्टा पहनाकर कर स्वागत व अभिनंदन किया। लगभग 70,000 भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसमें प्रमुख रूप में डॉक्टर आयुष द्विवेदी, किरण शर्मा, अतुल त्रिवेदी, संदीप द्विवेदी, कृष्ण द्विवेदी, सुरेश चंद द्विवेदी, हिमांशु त्रिवेदी आदि लोग मौजूद रहे। स्वैच्छिक दुनिया के लिए विशेष संवाददाता दिलीप कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। उनके लिए अत्यंत शुभकारी हो, लाभकारी हो, सुख शांति परिवार में रहे, आनंद के साथ उनका जीवन निर्विघ्न जीवन बीती तो 2024 बहुत सुखद और निर्विघ्न, कोई बाधा का सामना न करना पड़े, ऐसी मैं कामना करता हूँ और बार बार आभार प्रकट करता हूँ अपार सहयोग देने के लिए जिनके वजह से इतना भव्य कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी आए थे यहाँ पे, कार्डियोरियम बनना इसके बारे में क्या कहूँ? हाँ, उन्होंने कहा है कि हम इसमें प्रयास करके उत्तर प्रदेश सरकार से तमाम धन ला के यहाँ लगाएंगे और बहुत भव्य कॉरिडोर बनेगा। उन्होंने इसका गंगा मैया के नारे संकल्प लिया है कि सिद्धनाथ धाम को एकदम चमकदार, शानदार, आध्यात्मिक नगरी के रूप में स्थापित किया जाएगा। उसके लिए जो पूरे प्रयास होंगे माननीय महाराज जी करेंगे, भव्य कॉरिडोर बनेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। थैंक यू।